ओके, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों की समर ब्रेक से ऐसी जा रही हैं, जस्ट गुड ओके, पढ़ाई। और मेरा बच्चा बेचारा, और ये तो जा रहा है अकेडमी, और ये जो है ना बहुत सारी मेहनत कर रहा है माशाल्लाह ये वाला बच्चा, और कुछ चिल नहीं कर रहे। और उस पर गुस्सा भी नहीं आता। इतने अच्छे बच्चे हैं, ये कहाँ से आए इतने अच्छे बच्चे कि पढ़ाई भी करते हैं, समर ब्रेक तो इन्जॉय नहीं करते और फिर भी गुस्सा नहीं आता, सिर्फ हंसी आती है। ये कहाँ से आए हैं इतने अमेजिंग बच्चे। आज की हमारी जो वर्कशॉप है, इट्स ऑल अबाउट एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को या इवन ह्यूमंस किसी भी लिविंग थिंग को बहुत सारी इमोशंस के साथ बनाया है। कैन यू गेस दिस इमोशन? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर स्लीपी राइट नाउ? कंफ्यूज? या किसी को आइडिया नहीं हो रहा? हैप्पी और सिली, या एंड लाफिंग, एंड देन एट द एंड या इट्स एंग्री। तो कोई भी आपका लिविंग थिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। ये सारे इमोशंस भी होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और इन्हीं इमोशंस की वजह से वो लिविंग थिंग बन जाती है। अब आप ये चेयर है, इसको पकड़ के मारना शुरू कर दो, इसको गुस्सा आएगा? इसको हंसी आएगी? ये सारी समर ब्रेक से तक गुजारती है, इसके ऊपर पढ़ाई होती है और सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। इसको कोई रोना आता है? लेकिन अगर आपके साथ ये किया जाए तो आपका क्या हाल होगा? ठीक है ना? तो हम सब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत बड़ा जो एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है, दैट इज़ इमोशन। इमोशंस का होना इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल। ठीक है, अल्लाह ताला ने बहुत सारे इमोशंस बनाए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगर ओनली। ठीक है, एंगर इटसेल्फ होना इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल। हमें एंगर का कुरान में भी पता चलता है, हदीस में भी पता चलता है, और हमें इस चीज़ का भी पता चलता है कि अल्लाह ताला भी कभी कभी गज़बनाक होते हैं, गुस्सा करते हैं, और इसी तरह से प्रॉफिस भी कभी कभी गुस्सा हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। कैन यू कम अप विद एन एग्ज़ाम्पल जहाँ अल्लाह ताला गज़बनाक हुए, जहाँ अल्लाह ताला गुस्सा किए? सूरह फातिहा, सूरह फातिहा आती है? आती है। लास्ट वर्स क्या है? लास्ट वर्स क्या है? यस, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने वला गैर المغضوب वला الضالین, तो मघदूब और दुआलीन कौन लोग थे जिनके ऊपर अल्लाह ताला गुस्सा हुए, गज़बनाक हुए? अल्लाह ताला को वो लोग पसंद नहीं आए जो भूल गए रास्ता, जिन्होंने जानबूझ के अल्लाह ताला को जानने की कोशिश ही नहीं की, या फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आई डोंट केयर, अल्लाह ताला जो मर्ज़ी कह रहे हैं आई डोंट केयर, या फिर उन्होंने कहा कि बस ठीक है हमें पढ़ना ही नहीं है। वो जो डोंट केयर मोड में चले गए, अल्लाह ताला उनसे हैप्पी नहीं हुए। जब हैप्पी नहीं हुए तो अल्लाह ताला नाराज़ हुए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से और अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम भी हैं जो कि अल्लाह ताला के गज़ब को, अल्लाह ताला के गुस्से को, अल्लाह ताला के रौत को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू कम अप विद एनी नेम? हाँ, मुतकबिर और रहमान जो है वो रहमान, अल्लाह ताला की मर्सी है ना, मर्सी है, जलाल। ठीक है, यानी आपके पास अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे नेम्स हैं जहाँ पे अल्लाह ताला का एंगर, अल्लाह ताला का रौत नज़र आता है। ठीक है, इसी तरह से जो प्रॉफिस हैं उनके, वो भी बहुत जगहों पे गुस्सा हुए, नाराज़ हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू कम अप विद एन एनी इंसिडेंट? जल्दी जल्दी बच्चों, बहुत सारा काम है आज। शर्माना नहीं है। जब वो एक बंदा, एक कैमल आया था, रिमेंबर दैट इंसिडेंट, द क्राइंग कैमल, ठीक है, वॉज प्रोफेसर हैप्पी, ठीक है। इसी तरह से जब वो एक सहाबी वो चिड़िया के बेबी ले आए थे, वॉज प्रोफेसर हैप्पी। बट द थिंग इज़ कि ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है, गुस्सा आना, और मुझे भी गुस्सा आना और आपको भी गुस्सा आना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को मैनेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मुझे बताएं मैनेज करने का क्या मतलब है? मैनेज करने का क्या मतलब है कि जी गुस्सा तो आ रहा है लेकिन अब उसे मैनेज भी करना है, हाँ, कंट्रोल करना। और अच्छा, आर यू ऑल साइंस स्टूडेंट्स? यार पता है यार, नहीं पता इतनी ज़्यादा छुट्टियों में ज़्यादा पढ़ा दिया अच्छा, जब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, फ्लो आ रहा होता है पानी का, और उसके आगे डैम ना लगाया जाए तो वो क्या चीज़ बन जाता है? फ्लड। उसके आगे क्या किया जाता है? डैम लगाया जाता है। डैम क्या करता है? स्टोर करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को चैनलाइज करता है। एंगर आ रहा है हमारे, हमें किसी भी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन द थिंग इज़ टू चैनलाइज इट, टू यूज़ इट, ठीक है। अब आप गुस्से में वॉल्केनो बनते जाएं, क्या होगा? वॉल्केनो क्या करता है? फिर लावा क्या करता है? जला देता है, ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह से एंगर भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें हदीस में पता चलता है कि प्रॉफिस ने हमें बताया है, एक हदीस का मफहूम है कि एंगर जो है इट्स बेसिकली आग होती है, ठीक है, जिससे शैतान को बनाया गया है। तो आग का ऑपोजिट क्या है? वाटर, ठीक है ना। आप उसको उस वक्त पानी पी लें। इसी तरह एक और जगह आता है कि प्रॉफिस ने बताया है कि जी ये एक बर्निंग एम्बर है, बर्निंग ऐश है जो इंसान के अंदर रख दी गई है, ठीक है। तो जब आपको वो गुस्सा किसी चीज़ पर आए तो ज़मीन पे बैठ जाए, कम क्लोजर टू द ग्राउंड। उससे क्या होगा? थोड़ा सा चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो फिज़िकल साइंस क्या होता है? हंसी आती है ना, और दिल करता है बंदा छलांगे मारे। ऐसा होता है गुस्सा आने में? क्या होता है? दो चार बंदे फड़का दे, एक आधे की टांग तोड़ दे, एक आधा उधर लटका दे, ऐसा दिल करता है? दिल तो बहुत कुछ करता है, लेकिन यही चीज़ है कि उसको मैनेज करना है। जब भी गुस्सा आता है तो सिर्फ फिज़िकल चेंजेस नहीं आते हैं, आपके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। आप लिटरली अंदर से भी बर्न कर रहे होते हैं। आपने देखा जब गुस्सा आता है आंखें लाल हो जाती हैं, वेन्स किस तरह से फट के बाहर आ जाती हैं, आप अपने क्लॉज को कैसे क्लिंच कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन कितनी बढ़ जाती है, दिल धक 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 कर रहा होता है, आप सांस इतनी ज़ोर से ले रहे होते हैं। तो आपका सिर्फ इमोशनल चीज़ें नहीं हो रही होती, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, और उसको भी कंट्रोल करना होता है। सो इट्स नॉट जस्ट एक ऐसी गेम है कि जिसको आपने एक तरफ से कंट्रोल करना है, ये बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल गेम होती है। अच्छा, ठीक है, अब हम ये करेंगे कि मेरे पास लेट्स से, अच्छा, बलून कौन फुला के फाड़ सकता है? अब ये हम है, ठीक है, दिस बलून, ऑरेंज बलून। अब इसके अंदर एंगर आता जा रहा है और आता जा रहा है, और हम इसको चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। और क्यों करो? इसको चैनलाइज नहीं करना। और हमें समर ब्रेक से भी पढ़ा लिया, हमें कोई चिल करने का टाइम भी नहीं दिया, और हमें इंटरप्ट भी कर लिया, और हमारे साथ और क्या किया? हाँ, तो फाड़ना है ना मेरे ऊपर। हाँ फाड़ो नहीं। जब आपने किया, कर लो। थैंक यू सो मच। ये लो मेरा बच्चा। हुआ क्या? कि जब आपके वो इमोशन इतने ज़्यादा हो गए आखिर में आप फट गए। और फटने से क्या हुआ, उसकी ये देखो सारी जगह एशेस गिर गए। जब आपको बहुत गुस्सा आया, आप एक अच्छे इंसान हैं, यू यूज़ गुड लैंग्वेज, आपके अच्छे जेस्चर्स होते हैं, अच्छे मैनर्स होते हैं, लेकिन जब बहुत गुस्सा आया और आप फटे और आपने ब्रर करके सब कुछ बोलना शुरू कर दिया, आपने क्या किया, हो सकता है दो एक बंदों को गंदी लैंग्वेज का यूज़ कर लिया, आपके माइंड में उसके लिए बदगुमानी आना शुरू हो गई हो, आपने अपना जो डर्टी सेल्फ था वो बाहर निकाल लिया। ठीक है ना। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अगर हमारे अंदर अल्लाह ताला ने अच्छी चीज़ें डाली हैं तो हमारे अंदर एक डर्टी साइड भी है ना, ठीक है ना, फुजूर भी है। तो उस चीज़ को हमने सप्रेस करना है, उस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है। और क्या हुआ, जब हमने नहीं कंट्रोल किया तो देखो हर जगह फैल गया। पहले बलून इतना साफ़ था, इतना अच्छा था कि आप उसको आराम से अपने करीब कर रहे थे, अब आप इस वाले को रख सकते हो अपने करीब, या मैं इसे कहूँ कि इसको दोबारा से यूज़ करो, नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसी तरह बंदा भी डर्टी हो जाता है अगर हम उस चीज़ को चैनलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, जिस तरह आपके पास टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स क्या करता है बॉयज़, टूल बॉक्स क्या करता है, क्या होता है टूल बॉक्स के अंदर? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, आपका सॉ होता है, आपका स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, या इवन किचन में आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। वो टूल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कोई काम करने के लिए। ठीक है, क्या काम करने के लिए है? मसलन अब अगर दरवाज़ा, यहाँ से दरवाजे की हिंजेस लूज़ हो रही हैं तो उसको आप चाकू छुरी से ठीक करोगे, स्क्रू ड्राइवर से। ठीक है। तो जिस तरह का इशू होता है, जिस तरह का प्रॉब्लम होता है, आप उसी तरह का टूल बॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आप ये देखो तो मेरे पास एक एंगर मैनेजमेंट टूल बॉक्स है। द वेरी फर्स्ट थिंग, जो कि जब आपको गुस्सा आता है, आपका दिल करता है, आप कोई भी चीज़ गुस्सा कर सकती है, उसमें सबसे पहले क्या करने वाली क्या चीज़ होती है? अल्लाह ताला से रिफ्यूज़ लेना होता है, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी होती है कि अल्लाह ताला मुझे बचा लें, क्योंकि हम सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं, या कनाबुदु व या कनास्ताइन, कि हम अल्लाह ताला ही की मदद मांगते हैं ताकि हम खुद कुछ कर सकें। हम अपने उस बलबोते पे नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला की मदद नहीं होगी। इसी तरह से कंट्रोल, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें अल्लाह ताला ही की मदद चाहिए। हम खुद से कहें कि हम बहुत बड़े पता नहीं क्या बन गए और हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो फ़ौरन से आऊजोबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, क्योंकि हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि गुस्सा किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। और शैतान किससे बना है? आग से बना है। जब हम आउज़ु बिल्ला पढ़ते हैं तो वो छोटा सा चुन्ना मुन्ना बन जाता है और वो चूंटी की तरह गायब हो जाता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारे पास जो हम कुछ हमारे फ़िज़िकल लॉज हैं ना, कुछ चीज़ें फ़िज़िकल टूल्स हैं, और इसी तरह कुछ नॉन फिज़िकल टूल्स हैं जो अल्लाह ताला के टूल्स हैं, हमें नहीं पता, वो गैब के टूल्स हैं, वो अल्लाह ताला ही के पास हैं, और वो अल्लाह ताला ही की यूनिवर्स में, अल्लाह ताला की वर्ल्ड में वो काम करते हैं। हमें नहीं पता कि आउज़ुबिल्ला से शैतान कैसे गायब हो जाता है, पर अल्लाह ताला एक जगह कुरान में कहते हैं कि ये शैतान की आर्मी जो है वो तुम्हें हर जगह, उस जगह से देख रही है जहाँ से तुम नहीं उसे देख सकते। तो ये वो आर्मी है या वो एनिमी है जो हमें उस तरह से अटैक कर रही है जहाँ से हमें नहीं पता। अगर मुझे पता है कि बंदा पीछे खड़ा हुआ है और वो मुझे स्टैप कर देगा तो मैं उसको फ़ौरन से पकड़ लूँगी या मैं कुछ करूँगी, लेकिन अगर मुझे पता है कि यहाँ पे एक इनविजिबल चीज़ है जो कि मुझे स्टैप करेगी, तो मुझे तो नहीं पता ना कि वो कौन है या नहीं है, तो मुझे उसकी मदद उन्हीं टूल से लेनी है ना। तो इस टूल बॉक्स में सबसे पहली चीज़ क्या है? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले आऊज़ुबिल्ला पढ़ें। अल्लाह ताला से रिफ्यूज ले लिया, आऊज़ुबिल्ला पढ़ लिया, फिर अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन चेंज करने का क्या मतलब है? मेरे बच्चों भी इंटरेक्टिव तो हाँ। और अगर लेट से आप एक पार्टी में बैठे हुए हैं और आपको गुस्सा आ गया, आप फ़ौरन से ज़मीन पे लेट जाए मुझे गुस्सा आ रहा है, आप ज़मीन पे लेट जाए, और आपने मेकअप किया हुआ है और आप वज़ू करके और सारा मेकअप है जाए, वाटरप्रूफ मेकअप। ठीक है। लेट से आपका ये होता है कि लेट से अगर आप किसी गैदरिंग में हैं और आप यहाँ पर नहीं लेट सकते ज़मीन में, तो आप उठ के वहाँ से थोड़ी देर के लिए चेंज कर लें अपनी जगह, ठीक है। आपको गुस्सा आ रहा है, आप वज़ू नहीं कर सकते, आप पानी पी लें, आप वहाँ से उठ के चले जाएं, यानी छोटी मोटी पोजीशन चेंज कर लें। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका एंगर पे भी कंट्रोल आएगा, दूसरा सुन्नत को आपने सुन्नत भी पूरी की है, ठीक है। इसी तरह वज़ू कर लें। एक पर्सनल चीज़ जो मैं अपने साथ करती रही हूँ, इसका कोई रेफरेंस नहीं है या पता नहीं, लेकिन एक ये चीज़ है कि आई हैव ऑलवेज़ बिन शेयरिंग माई एंगर विद अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से शेयर ऐसे नहीं करना कि अल्लाह ताला वो उसने ये कर लिया, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला से ऐसे शेयर करना है जैसे आप किसी फ्रेंड को कॉल करके बताते हैं कि देखा उसने मेरे साथ ये किया है। आप अपने टेरेस पे चले जाएं, आप अपने लॉन में चले जाएं, अपने कमरे में चले जाएं, आप अकेले बैठ जाएं, कुछ कर लें। और अल्लाह ताला रात को जब आप लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, जब कोई आपके साथ नहीं है, अल्लाह ताला को बताएं, अल्लाह ताला देखें मेरे साथ इस बंदे ने गलत किया था और अब मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, इसका 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो जब आप अल्लाह ताला को बताते हैं ना, तो आपकी सीक्रेट लीक नहीं होती। अल्लाह ताला तो किसी को नहीं बताएंगे, आप इस एक से दूसरे बंदे को बताएंगे, दूसरे से तीसरे को बताएंगे, तो क्या है कि वो आखिर में सारे लोगों को पता होगा कि जी ऐसे हुआ था और ये कहानी थी, ये कहानी थी। अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला सबसे बेस्ट सीक्रेट कीपर है, ठीक है। किसी की ग़ीबत नहीं होती है, आप किसी की ग़ीबत नहीं कर रहे। तीसरा काम क्या होता है इसमें ना, आपका एक कथारसिस भी हो रहा होता है। देखो, एक बात कही जाती है, इट टेक्स 2 hands to clap। आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो अगले को भी आ रहा होगा। अगर अगले को गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है आपने भी कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो फ्लेयर अप हुआ और उसकी वजह से आप फ्लेयर अप हुए, ठीक है ना। तो सिर्फ हमेशा अगले की गलती नहीं होती है, कभी कभी आपकी भी गलती होती है, ठीक है। तो जब आप अल्लाह ताला से शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला आपको किसी भी तरीके से बता देते हैं कि आपकी कहाँ गलती थी, एंड नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला कोई सामने फ़रिश्ता भेज देंगे, वो लाइट आएगी और आके आपको बताएगी कि देखो आपने ऐसे किया था। आपको चलते फिरते कहीं नोटिस बोर्ड कोई नज़र आ जाएगा, कोई आप बैठे होंगे, कोई और बातचीत कर रहा होगा, उसकी बात से आप वो चीज़ पिकअप कर लेंगे, कहीं कोई चीज़ पढ़ लेंगे। तो ये अल्लाह ताला के अपने तरीके होते हैं, वो अल्लाह ताला ख़ुद से समझा देते हैं, बता देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आप अल्लाह ताला के साथ शेयर करें। फिर राइट इट डाउन, और इसका भी मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कम्युनिकेट इट यूजिंग आई स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये बात क्यों ज़रूरी है? लेट्स से वो शूज़ उतार के फिर रहा है घर के अंदर। अब मुझे अपने बेटे से हमेशा इस बात पे गुस्सा आएगा, मैं हमेशा उसको बोलूँगी कि तुम क्यों ये पहन के शू नंगे पाँव फेर रहे हो, शूज़ पहनो, जाके शूज़ पहनो। मैं हर दफ़ा उसको बोलूँगी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम क्यों शूज़ उतार के फेर रहे हो, आई कुड हैव चेंज इट टू आई, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि नंगे पाँव फेरा जाए, तो प्लीज़ जाके शूज़ पहन लें। इसमें मैंने ना तुम का वर्ड यूज़ किया, यानी यू का नहीं किया कि तुमने ये किया और जाओ जाके पहनो। जब आप असर्टिव हो जाते हैं और अपना गुस्सा अगले को कम्युनिकेट कर देते हैं कि जी मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है कि आप नंगे पाँव फेर रहे हो, तो वो आइंदा नहीं करेगा, ठीक है ना। सो यू नीड टू कम्युनिकेट योर पिंचिंग पॉइंट्स कि अच्छा ये वाली चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। लेट्स से कोई इग्नोर कर रहा है मुझे, या कोई मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, हो सकता है वो एक अपने तौर पे ना कर रहा हो लेकिन मुझे वो बुरा लग रहा है, तो आई नीड टू कम्युनिकेट इट। अच्छा, उसके बाद फिर टेक अ ब्रेक, छोड़ दें सारे काम। गुस्सा आ रहा है, 10 मिनट के लिए चले जाएँ, चले जाएं, छोड़ दें सारे काम, छोड़ें और आराम से जाएं, जाके पानी शानी पिएं, कुछ और करें, छोड़ दें सारे काम, छोड़ दें। जब आप पॉज एंड प्ले, यही जो 7 Habits वाली बुक है, इसके अंदर उसने एक बहुत अच्छा एक रूल बताया है पॉज बटन का, और उसने ये बताया था कि वी ऑल हैव अ बेली बटन्स। सो अल्लाह ताला उसने ये कहा कि गॉड गेव अस बेली बटन्स टू पॉज आवरसेल्व्स। आपने देखा है आपके रिमोट में पॉज एंड प्ले का बटन होता है, सो दिस इज़ आवर पॉज बटन। गुस्सा आया, जस्ट पॉज योर सेल्फ फॉर 5 seconds। या या यू कैन गो ईट समथिंग, ठीक है, जस्ट पॉज योर सेल्फ, फिज़िकली पॉज योर सेल्फ, ठीक है, फिज़िकली पॉज योर सेल्फ फॉर 5 सेकेंड्स, काउंट टू 5, आउज़ु बिल्ला पढ़ें, उसके बाद एंड देन प्ले। जब आप एक चीज़ को थोड़ा सा इंटरनलाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपनी जगह आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर फाइंड ए सोल्यूशन, वही वाली बात है जिससे नंगे पाँव फेर रहे हैं। अब हर दफ़ा नंगे पाँव आता रहेगा, हर दफ़ा मैं बोलती रहूँगी, हर दफ़ा गुस्सा करती रहूँगी, तो बेहतर नहीं है कि मैंने उसे एक दफ़ा बता दिया और उसे कहा कि अब देखो ये सोल्यूशन है विच वर्क्स फॉर मी एंड फॉर यू एज़ वेल, तो अब हम इसको इस तरह से करके ले चलते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आप हर दफ़ा ही एजिटेट होते रहें। एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आती हैं एंड देन फिज़िकली वर्कआउट करना भी आता है। जिस एज में अभी आप लोग हैं, यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन इंटरनली, राइट, सो उस चीज़ को भी मैनेज करना ज़रूरी है। जब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बबल कर रही हैं तो आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें। और हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक्सरसाइज, खेलना कूदना, वर्कआउट करना इज़ ओनली फॉर द मेल मेम्बर्स और फॉर द बॉयज़। अनफॉर्चुनेटली वी गर्ल्स एंड वी लेडीज़ इग्नोर इट। क्या अच्छा ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है, हम घर में हैं, ये है वो है, एक्सरसाइज इज़ नॉट फॉर अस, ये गलत बात है। एक्सरसाइज इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। टेक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जाएँ जाके एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको अपने ऊपर कंट्रोल आता है, अपनी उसके ऊपर, आपके जो टारगेट्स आपने मेंटली सेट किए होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल आता है। एक दफ़ा आपने 5 टाइम्स जंपिंग की है, अब आपको हो गया कि हाँ मैंने ये चीज़ अचीव कर लिया, नाउ आई कैन गो फॉर 10 पुशअप्स और जो सिटअप्स और वट एवर, नेक्स्ट 10। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता रहता है छोटे छोटे टारगेट सेट करने से, और फिज़िकली वर्कआउट करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी काम डाउन हो जाती हैं, ठीक है। अगर If you have any question, any query, you can always come up to me after the workshop, right? So that's all from my side. Thank you so very much. It was always a pleasure coming here.